उत्तर प्रदेश की सिंचाई व्यवस्था और नहरों पर चल रही इस वीडियो श्रृंखला का यह तीसरा भाग है। आज हम उत्तर प्रदेश को सींचने वाली कुछ अन्य नहरों के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें पहला नाम आता है आगरा नहर का। आगरा नहर तंत्र का निर्माण 1878 में यमुना नदी पर दिल्ली के पास ओखला में किया गया है। इससे हरियाणा के फरीदाबाद और गुड़गांव जिले तथा उत्तर प्रदेश के मथुरा और आगरा जिले तथा राजस्थान के भरतपुर जिले को लाभ मिलता है। यह नहर उत्तर प्रदेश की एक प्रमुख नहर है और इनकी कुल लंबाई 1600 किलोमीटर के आसपास है। इसी कड़ी में अगला नाम आता है शारदा नहर का। शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है और इसका निर्माण 1928 में किया गया था। यह नैनीताल के पास से शारदा नदी से निकलती है। इस नहर की कुल लंबाई 9961 किलोमीटर के आसपास है। पीलीभीत, बरेली, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर और प्रयागराज इस नहर से जल प्राप्त करते हैं। शारदा नहर से कई छोटी छोटी और भी नहरें निकाली गई हैं। इसी कड़ी में अगला नाम आता है बेतवा नहर का। बेतवा नहर से उत्तर प्रदेश के झांसी, हमीरपुर और जालौन जिलों व मध्य प्रदेश के टीकमगढ़, दतिया और ग्वालियर जिलों को लाभ मिलता है। बेतवा नहर में जल पहुंचाने के लिए धुंधवा बांध, माता टीला बांध और परीक्षा बांध निर्मित किए गए हैं। कुछ और नहर जैसे केन नहर और धसान नहर भी उत्तर प्रदेश में क्रमशः बांदा और हमीरपुर जिलों को जल प्रदान करती हैं। हमारे आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम कुछ निर्माणाधीन और प्रस्तावित नहरों के बारे में चर्चा करेंगे जो उत्तर प्रदेश में हमें भविष्य में देखने को मिल सकती हैं।